हमें काम करने की बोलने की आजादी प्रदान करती है, वही संविधान आज करते हैं। जो संविधान हमारी सुरक्षा करती है, आज उसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए संविधान बदलाव संघर्ष समिति बनाना पड़ा। ये सबसे बड़ा विविधता है देश की। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि हम सब गुजरात मॉडल के 6वें वर्ष से गुजर रहे हैं। इन 6 वर्षों में क्या क्या हुआ बताने की आवश्यकता नहीं। 5 साल के दौर कैसा रहा ये भी बताने की जरूरत नहीं, और 6वें साल में आते आते क्या स्थिति बन रही है कि आदरणीय शरद यादव जी एयरपोर्ट से वापस लौट गए बिना एयरपोर्ट के बाहर जाए, तो स्थिति को समझा जा सकता है। मैं तो ये समझ रहा हूं कि संविधान में जो व्यवस्था है उसको मैंने लागू किया। मैंने किसी पर एहसान किया, मैं तो केवल अपने दायित्व का निर्वहन किया। जो संविधान की शपथ लेके जिस पद पर बैठे हैं वहां जो विषय सामने आया है, जो जिसका हक है उसे मिलना चाहिए, क्योंकि ये व्यवस्था संविधान में है। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के कुछ साथी यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं जो छत्तीसगढ़ को जानते हैं। शरद यादव भी हमारे अपने हैं, इसलिए कि वो जबलपुर से आते हैं, वो उत्तर कौशल है, हम दक्षिण कौशल के हैं। दुनिया भी तो उत्तर प्रदेश के है ही, लेकिन वो हमारे अपने हो गए हैं। पिछले 2.5 साल से लग रहा था बहुत सारे साथी हैं जो छत्तीसगढ़ को नहीं जानते। छत्तीसगढ़ के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। भौगोलिक दृष्टिकोण से 9वां बड़ा राज्य है, तमिलनाडु से हम बड़े हैं। भौगोलिक दृष्टिकोण से जनसंख्या में बहुत कम है, आदर्श स्थिति पूरे हिंदुस्तान के लिए 1 वर्ग किलोमीटर अगर 200 लोग होते तो बहुत आदर्श स्थिति है। लेकिन ये भी बताना चाहूंगा कि हमारा प्रदेश बहुत समृद्ध है। वहाँ कोयला है, वहाँ लोहा है, वहाँ बॉक्साइट है, वहाँ डोलो बैंक है, वहाँ सोना है, वहाँ हीरा है, वहाँ टीन है, वहाँ एलेक्जेंड्राइट है, जो दुनिया सब जगह समाप्त हो गया लेकिन एलेक्जेंड्राइट हमारे यहाँ बचा हुआ है। सब कुछ है, बारह माह बहने वाली नदियां हैं, 44% जंगल है। उसके बाद आप सोच सकते हैं कितनी कितनी खासियत है। मैं आपको बताया हूँ तो आप समझ रहे होंगे बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत अच्छी स्थिति वहाँ प्रवेश होगा। ये बात भी सही है, अभी यादव जी बता रहे थे 24 लाख करोड़ का बजट भारत सरकार का, 1 लाख करोड़ का बजट हमारे 2 करोड़ 80 लाख लोग वहां निवास करते हैं। लेकिन दूसरा पक्ष मैं आपको बताना चाहूंगा, वो पक्ष ये है कि 39.9% गरीबी रेखा के नीचे की ओर है, 37.6% बच्चे कुपोषित, 41.5% महिलाएं साथियों
तो हम लोगों ने जो देखा है, सहा है, होगा है, और जब सरकार बनी तो शपथ ग्रहण में शरद यादव जी थे, इंदिरा साहब जी थे, इनको एयरपोर्ट में हमने विदा किया, आशीर्वाद दिया, और ये दिल्ली एयरपोर्ट उतरे नहीं थे, हमने 20 लाख किसानों के 11,000 करोड़ रुपये दिए। जो वहाँ गरीबी है, पिछड़ापन है, तो सबसे पहले काम हमने कहा किसान जो सालों साल से कर्ज के बोझ तले दबे हैं उसको हटा दिया गया। फिर पत्रकार साथियों ने हमसे पूछा कि वो तो वन टाइम है, एक ही बार आप ऋण माफी करें, बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या उससे किसानों की समस्या हल हो जाएगी? मैंने कहा नहीं। हमने हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा किसी भी राज्य ने आज तक के जिस मूल्य के धान नहीं खरीदा, 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी की है, 20,000 करोड़ किसानों के लिए। जवानी प्रसाद हमारे जंगल है, जंगल में आदिवासी भी रहते हैं, परंपरागत रूप से निवास करने वाले लोग भी हैं वहां। आपको मैं बताना चाहूंगा कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा दर पे 4,000 प्रति मानव गोरा दर से गेहूं पत्ता खरीदा, सबसे ज्यादा 2,500 अभी है, हमने 4,000 प्रति मानव दर से खरीदा। इसका असर क्या हुआ? असर ये हुआ, हम देखते हैं चाहे वो दिल्ली हो चाहे किसी राज्य में जाए, तो सबसे ज्यादा भीड़ ना हो, लेकिन हमारे यहाँ सबसे ज्यादा भीड़ सराफा दुकान छोटे जाने दुकान में है। सिंधी समाज के लोग सम्मानित करने के मुझे आमंत्रित किए थे, मैंने कहा भाई आपके ग्राहक के जेब में मैंने पैसा डाल दिया, अब तो आप खुश हैं? एक व्यापारी खड़ा हुआ, भैया वो सब सराफा दुकान में जा रहे हैं, हमारी दुकान में तो आ ही नहीं रहे। मैंने कहा जब आपको व्यापार में 4 पैसे आमदनी होती, सबसे पहला काम आप क्या करते हैं? उन्होंने कहा कि अपनी पत्नी के लिए, बेटी के लिए सबसे पहले जेवा खरीदता हूँ। मैं बोला वही काम तो किसान कर रहा तो आज छत्तीसगढ़ के लोगों की क्रय शक्ति बढ़ी है, न केवल सराफा में, न केवल टेक्सटाइल में, बल्कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में जहाँ देश भर में गिरावट आ रही है, हमारे छत्तीसगढ़ में 25% की वृद्धि हुई है। हमने चाहे वो जंगल में रहने वाले हैं, चाहे मैदान हिस्से में रहने वाले हैं, सबकी क्रय शक्ति बढ़ाई। आज फिर हमने किया, तीसरे दिन आठवीं दिन की कैबिनेट की बैठक हुई, हमने कहा कि 1 महीने के भीतर में जो उद्योग के लिए जो जमीन ली गई, यही कानून बनाया, ज्यादा था दुनिया साहब जो सांसद में थे तो उन्होंने कानून बनाया कि 2013 में कानून पारित किया कि 5 साल के भीतर में जो उद्योग उद्योगपति उद्योग नहीं लगाएगा वो किसान की जमीन वापस कर दिया जाएगा। हिंदुस्तान में सबसे पहला काम छत्तीसगढ़ सरकार ने किया कि 1700 किसानों के 4200 एकड़ आदिवासी लोगों की जमीन हमें वापस कर दी। फिर आपने कानून बनाया था 2006 में फॉरेस्ट एक्ट, आप जो 13 दिसंबर 2005 के पहले जो लोग जंगल की जमीन में जो काबिज है उनको पट्टा दिया जाएगा, आपने कानून तो बना दिया, 8 लाख आवेदन आए, लेकिन 3.5 लाख को लोगों की 5 एकड़ तक जाए तो 1.5 एकड़ दे दिए, 10 एकड़ तक जाए तो 0.5 एकड़ दे दिए, इस प्रकार से 3.5 लाख लोगों को दिए, 4.5 लाख जो वहाँ परंपरागत रूप से रह रहे हैं, चाहे आदिवासी हो चाहे गैर आदिवासी, उनको पट्टा आपने दिया ही। हमने कहा कि जो संविधान की व्यवस्था है, जो कानून बन जाए, लोग जो पारित हो जाए उसका पालन करेंगे, और आपका आश्चर्य होगा सुप्रीम कोर्ट में
या ये लगाया था, भारत सरकार की तरफ से कोई खड़ा नहीं हुआ, आखिर में ये आदेश होते होते बचा कि जो जिनको पट्टा नहीं मिला उसको अतिक्रमणकारी मान के उसको बेदखल कर दिया जाए, पूरे हटा दिया जाए, जो सैकड़ों साल से जो लोग निवास कर रहे हैं उनको बेदखल करने का आदेश हो गया। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।